अब क्या है? खोल गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं क्या करें, आज हम करेंगे अपना 12th क्वेश्चन कर रहे हैं 9.1 का। तो फटाफट से पढ़ते हैं एनसीईआरटी वाला क्या बोलता है अपने को, कि वो बोलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। क्या भैया, देखो ये केबल टावर है, एक बिल्डिंग है। केबल टावर कौन सा है? केबल टावर है सीडी। सीडी एक केबल टावर है और ए भी एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45। मतलब ये एक टावर है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर नीचे डिप्रेशन कितना है? 45। अब डिप्रेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, ये डिप्रेशन देखो, मतलब अगर आपको ये कोई चीज है, ये दूसरी चीज है, आपको इसके नीचे लेके जाना है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम ऐसे दिखाते हैं तो वही एंगल है 45। अब ये तो हम यूज नहीं करेंगे, तो ये और ये बराबर होगा अल्टरनेट, तो ये सॉरी और ये बराबर हो गए, तो इसको 45 में लिख सकता हूं। ठीक है, देखो डिप्रेशन तो ये होगा कि इसके फुट से सॉरी इसके टॉप से इसके फुट पे डिप्रेशन 45 है। अब इसको यूज थोड़ी करेंगे हम, यूज ही नहीं करेंगे, तो ये 45 तो ये भी 45। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे तो वही है 45 तो ये भी 45। ठीक है, समझ गया यार। तो गिवन ही है 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है। अब टावर की हाइट क्या है? टावर की हाइट है पूरी सीडी। अच्छा आगे ये देखो, जो ए बी है वो ईडी के बराबर होगा, तो ईडी भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो ठीक है, देखो हाइट ऑफ टावर सीडी था। ठीक है, सीडी के लिए अपने को सीई और ईडी चाहिए था। ठीक है, ईडी तो निकल गया, अब सीई निकाल लेते हैं। सीई जो निकल जाएगा, सीई में ईडी 7 प्लस कर देंगे, अपना पूरा सीडी निकल जाएगा, समझ गए। तो खैर उसको करने के लिए पहले अब मकसद है पूरा सीई निकालना। अब सीई कैसे निकाल लेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ए बी डी ट्रायंगल। अब क्यों करें अभी समझ आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो चलो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है सॉरी यूजिंग टेन थीटा। वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा। थीटा कितना है? टेन थीटा। थीटा 45 है भाई, 45। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है भाई, ए बी। बेस कितना है? बी डी। टेन 45 कितना होता है? 1। ए बी कितना गिवन है? 7। बी डी तो निकालेंगे ही, अब वो तो गिवन ही नहीं है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ ही तो 1 होगा नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके BD जो आएगा, BD मल्टीप्लाई BD 7, तो BD भी कितना आएगा? 7 मीटर। अच्छा अगर BD 7 मीटर है, BD 7 मीटर है, तो AE भी 7 मीटर होगा। देखो BD AE बराबर हो गए, तो हम लिखना therefore AE भी 7 सेंटीमीटर में, मीटर में भाई, मीटर में सेंटीमीटर लिख दिया, 7 मीटर होगा, है ना। ए बी 7 मीटर होगा। क्यों होगा? यहां रीजन लिखते साइड में, क्योंकि जो अपना ए है वो बराबर है बी डी के, है ना। जो ए बी डी के बराबर है तो ये 7, तो ये भी 7 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो भी 7 हो गया। ठीक है, अगर ए करेंगे सी ई ए, है ना, तो इन ट्रायंगल सी ई ए यूजिंग वही सेम यूजिंग टेन थीटा। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, थीटा कितना है? टेन थीटा। ए सी ई ए में 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? सी ई। बेस क्या है? ए ई। टेन 60 कितना होता है? √3। सी ई, सी ई तो निकालना ही है हाइट के लिए। ए ई, ए ई गिवन है, ए ई कितना है? 7 मीटर, अभी तो निकालना है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई √3, तो सी मल्टीप्लाई सी सी, तो सी आ गया 7√3 मीटर। ठीक है, अगर ये कितना है? 7√3 मीटर है। इंक डाल लो क्या? डाल लेते हैं ना इंक, एक सेकंड। समझ आया? देखो हाइट निकालनी थी टावर की, टावर की हाइट सीडी है। अब सीडी को मैं क्या लिखता हूँ? सीडी को लिख सकता हूँ सीई प्लस ईडी।
तो ईडी तो पहले ही पता लग गया था, अगर ये 7 तो ये भी 7, बस वो निकाल लिया हमने, अब उसमें इसको प्लस कर देंगे आंसर आ जाएगा। देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर इज सीडी, और जो सीडी को मैं लिख सकता हूं सीई प्लस ईडी, सी अभी निकालना है कितना है 7√3, ईडी क्या निकालना है हमने, निकालने की जरूरत गिवन था 7। अब 7 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 यहाँ √3 यहाँ 7 बाहर ले लो, 1 बचेगा अंदर, तो सीडी हाइट ऑफ टावर आ गया हमारे पास 7√3+1 अंडर ब्रैकेट, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर निकल चुकी है, खैर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा आप लोग भाई मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो।